Hey, what's up guys, मैं रणवीर हूं। तो गाइज आई एम बैक विद अ न्यू प्रैंक। यस गाइज, बहुत ही अमेजिंग प्रैंक है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और वीडियो पर जाने से पहले मुझे काफी लोगों ने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप कुछ अपेरल्स के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बताओ और लाओ जो बजट फ्रेंडली भी और क्वालिटी में बहुत अच्छा हो। तो आज मैं वही लाया हूं गाइज, ये टी शर्ट जो मैंने पहनी है जिसमें लिखा हुआ है देखो, फील बेटर, रन फास्टर एंड बी स्ट्रांग, और जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है एंड ऑल्सो बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी है। इसको मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज में। इसके अलावा मैंने लिया है 3 टी शर्ट्स का कॉम्बो जो अलग अलग शेड में है, एकदम प्लेन टी शर्ट है पर क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस उसकी फिट बहुत अच्छी है हर एक टी शर्ट की। एक ब्लैक लिया मैंने जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके अलावा मैंने लिए एक रेड कलर में, और इसके अलावा मैंने लिए व्हाइट। यस गाइस, ये 3 टी शर्ट का कॉम्बो मुझे सिर्फ और सिर्फ पड़ा है 369 रुपीज में। वैसे इसकी प्राइस है 399, बट आज डील ऑफ द डे चल रहा है तो 369 में आपको पड़ेगी। तो अब भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाके परचेस कर लो, ये कॉम्बो को ग्रैब कर लो। इन टी शर्ट के अलावा मैंने लिया एक जॉगर्स जो कि सुपर कंफर्टेबल, बहुत ही अमेजिंग फिट एंड बहुत ही कूल लगता है। पिछले आजकल मोस्ट ऑफ द लोग घर पे ही रहते हो तो जीन्स पहन के तो घर में घूमते नहीं होंगे, फ्री कपड़े जैसे शॉर्ट्स एंड पैजामेज जॉगर्स वगैरह पहन के घूमते हो, तो ये वाला गाइस आप जरूर लेना क्योंकि इसका एक तो प्राइस बहुत कम है, क्वालिटी बहुत सुपीरियर और दिखने में बहुत ही क्लासी है। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 595 रुपीज। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारा यूज कलेक्शन है, सब आपको मेरा लिंक में मिल जाएगा जिसके लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ क्लिक करो एंड देखो सारा स्टॉक एंड बहुत ही अमेजिंग प्राइसेस में आप ये कलेक्शन परचेस कर सकते हो। अगर आपको लिंक से परचेस नहीं करना है तो आप व्हाट्सएप से भी परचेस कर सकते हो, जिसका नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड ऑल्सो बी सेफ। तो गाइस चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ जिसमें बहुत ही मजा आने वाली है, मिलता है वीडियो के एंड में। Hey, what's up guys? मैं रणवीर। तो गाइस छत पे आके शूट कर रहा हूँ इंट्रो, ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा धूप है एंड नीचे क्या है, एक तरफ स्टूडियो का काम चल रहा है जिसका मैं आपको दिखाऊंगा तो लीक हो जाएगा फालतू में, और अंकिता रूम में है एंड नीचे गेस्ट आए हुए हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि छत पे आके मैं इंट्रो शूट करूँ। तो आज मैं बहुत ही अमेजिंग प्रैंक करने वाला हूँ अंकिता पे, जो कि है पैसा डबल, इन्वेस्टमेंट करके पैसा डबल मिलने वाला मुझे 1.5 महीने के अंदर। एंड अंकिता पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी, कुछ आइडिया नहीं है, तो जिस दिमाग में आइडिया आया नीचे कोई मूवी में चल रहा था इसलिए, तो लेट्स सी कि क्या रिएक्शन आते हैं। मैं फ़ोन पे बात करता करता जाऊंगा अंदर, ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर के पास कैमरा चालू छोड़ दिया है एंड उसको पता नहीं है क्योंकि सारा सेटअप मेरा है लाइव स्ट्रीम का। अगर आप रोज लाइव देखना चाहते हो मुझे तो फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, रीना लाइव स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जाके भूलना मत, बहुत सारे लोग रोज़ आके बातें करते हैं, मज़ा आती है। तो जाता हूँ मैं नीचे, तब तक आप क्या करोगे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, बाकी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। आज का व्लॉग सुपर वाला व्लॉग अपलोड हो चुका है, यानी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड जाओ मिलते हैं रात को लाइव स्ट्रीम पे। लॉट्स ऑफ लव, बाय। अरे नहीं, उसका टेंशन नहीं है। हाँ नहीं, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो सब मैं कर लूंगा। लास्ट कब तक है, मतलब ये कल तेरा खुद का ही है कि पार्टनर, मतलब मुझे पहले वो समझा पहले तो, ताकि एंड में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मतलब तेरा नहीं है, तूने खुद में भी किया हुआ है और तेरे भरोसे वाला है, ठीक है। मैं तो क्या, अभी बस मैं और अंकिता यहाँ पर आए हैं, अभी रूम पे बैठे हैं, एडिटिंग वगैरह कर रहे थे। नीरव है स्कूल फ्रेंड, हमने मिले थे एक बार, याद है वस्त्रापुर पे? हाँ याद है। एक सेकंड, कैसे नहीं याद है? चालू फोन अपने वहां पे। हाँ याद आ गया, ये देखो जो वस्त्रापुर में मिले थे अपने। ऐसे रिएक्ट मत कर, बहुत मिले थे, याद करो गुजराती मूवी में जिसने किया था। हाँ मुझे पता चल गई, मार क्यों रही है? क्या? पता नहीं, शायद अभी भी याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज बिहेव कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, अभी बस वो एडिटिंग वगैरह कर रहा था। आप बताना पूरा कंफर्म, मुझे स्कीम समझा पड़े, उसमें मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ है क्या? प्राइवेट है ना, वो तो समझ गया। 90 डेज, अरे मतलब वही 91 डेज यार। 90 डेज में 5 टाइम्स है, बाकी डबल है 45 डेज में। मिनिमम कितना है उसमें? मिनिमम 5 लाख।
फिर मैं मेरा कैलकुलेट करके देखता हूँ देखो अगर चालू हो गया इसका मेरे कंप्यूटर को बंद हो गया। एक सेकंड होल्ड करना, मैं सिर्फ कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर एकदम अर्जेंट में डालने पड़े, अगर मैं सारे के भी डाल देता हूँ फिलहाल वाले, तो आई कैन इन्वेस्ट अप टू 22 लाख। नहीं नहीं 90 नहीं, 45 डेज वाला। हाँ 90 डेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे ठीक है, पर पहले ये ट्राई तो कर लूँ, उसके बाद अगर फिर स्कीम चालू नहीं है सर। यार 90 डेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा सेफ साइड रखता हूँ। लेट्स डू 18 और 20 के आसपास का रखते हैं। 20 चल, मैं बाकी का मैनेज कर लूँगा। 20 का रखते हैं फॉर 90 डेज। हाँ नहीं, मेरे पास सारा वाइट पड़ा है, पर ये है मेरा कुछ काम है मेरे को। अरे फोन फिर आता हूँ एक मिनट, एक सेकेंड अंकिता। ठीक है चलो मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं वाइट एंड ट्रांसफर करके तुझे कुछ कैश का, या तो फिर एक काम कर, आधा आधा चलेगा? नहीं कोई नहीं, चलो मैं मैनेज करता हूँ, कर देता हूँ, पर वो फिर कल नहीं होगा, फिर 2 दिन चाहिए मेरे को। ठीक है। अरे नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, तू है फिर क्या है, तूने खुद ने किया हुआ है, फिर तो कोई लोड नहीं है। अपने स्कूल में से और किसी ने कर रहा, कोई और कोई कर रहा है क्या? अरे इतने सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है चल। अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछा आज, फिर भाई क्या है, बोल बात करो, तू बीच बीच में चिल्ला रही है यार। फोन चालू है, तू मुझसे ऐसा बोल रहा है? अरे अंकिता यार, अंकिता नीरव अपने को बहुत बार मिला हुआ है, अपने स्कूल फ्रेंड्स को कितना ऐसे रैंडमली मिले हुए, एक दो लोग ही मिले हैं। नीरज मिला था जिसकी वाइफ का वो सलून है ऊपर। अरे वो तो अरे इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान है उसका, खुद का नहीं है पर उसने खुद ने इन्वेस्ट किए हैं, और इसमें ऐसा रेफरेंस में कुछ ज्यादा मिलता होगा, ऐसा कुछ है पता नहीं क्या है, बट उसके भरोसे वाला आदमी है, सालों से उसके साथ काम कर रहा है, तो किसी को भी पैसा इन्वेस्ट, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करें अभी, ये 1 वीक का कुछ है, काफी टाइम से चल रहा है, फिर लास्ट 1 वीक का कुछ है, जितना भी इन्वेस्ट करोगे तो 45 डेज में डबल करके दे रहे हैं, और 90 डेज में 5 टाइम्स मनी करके दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा कोई स्कीम नहीं होती है? होती है। हीरे कौन सी स्कीम होती है बता मुझे, ऐसी कौन ऐसे पैसे डबल कर सकता है? अगर ऐसा हो तो अंबानी और ये सब लोग है ना, टाटा वाले सब लोग अपने को क्या मालूम करते हो, ना वो लोग छोड़ देवे सब कुछ, अपने लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। हीरे 500 करोड़ का 5 गुना सोच कितना होगा, हो सकता है इतना अमाउंट वो ना लेते हो। 1 करोड़ मुझे क्या मालूम, तो तू क्या दे रहा है, कितने पैसे कर रहा है? 90 डेज का अगर करना है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सेफ साइड अपने कुछ जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए रख रहा हूँ, और 22 सब मिला के हो सकता इमरजेंसी में कर सकते हैं 22 लाख, तो मैं 20 का 18-20 डालने का सोच रहा हूँ। बेवकूफ है हिरे, दिमाग मत खराब कर, ऐसा कुछ करने नहीं वाला है तू। अंदर स्कूल टाइम का फ्रेंड है, उसको भरोसा कर सकता हूँ मैं। तो क्या हो गया हिरे, किसी में भरोसा नहीं करना चाहिए, अभी सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में इतना डाउन चल रहा है पैसा कोविड की वजह से, एंड तू बोल रहा है कि ऐसे बात में रख दे, अगर उसको तेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने किया हुआ है। हाँ मेरे फ्रेंड के एक बिजनेस पार्टनर ने चालू किया है, और इसने खुद ने इन्वेस्ट किया है। इसने खुद ने किया है तो क्या हुआ, इसके भी पैसे चले गए, तेरे भी पैसे चले गए, कितनी मेहनत से पैसे आते, तेरे को पता है बात पैसे की है, 10,000 हो, 10 रुपए हो या 10 लाख हो, पैसे इम्पोर्टेंट होते ही रहे। अंकिता ब्लैक मार्केट बहुत चलता है, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई यार? अरे पर अगर इतना फायदा हो रहा है, वैसे ही बैठे रहे, पैसे तो काम लगेंगे नहीं ज्यादा, अगर उसको इन्वेस्ट करके अगर ज्यादा पैसे मिलता, बस प्रॉब्लम एक ही है कि ब्लैक में आएंगे। मम्मी को बताया? मम्मी को क्यों बताऊं मैं, तूने घर पे किसी मेरे पैसे का मैं डिसीजन लूंगा ना, मम्मी को बताऊंगा गुस्से होगी। तो गुस्सा होना चाहिए, और मैं चाहती हूँ तेरे को मार पड़े इस टॉपिक पे। तो अंकिता मेरे को 100% भरोसा है स्कीम पे, मुझे मालूम है ऑथेंटिक, मुझे मालूम है नहीं ऑथेंटिक, मुझे मेरे पैसे हैं मैं डिसाइड करूंगा या तू डिसाइड करेगी? मैं तेरे को सही एडवाइस दे रही, तेरे पैसे है सही बात है, एड़्वाइस पर नहीं करने दूंगी। एडवाइस दे दी अंकिता, फोन नहीं करेगी तू, मम्मी नीचे ले जाए, बुला लूं मैं? नहीं मैं फोन मत कर, तू मैं बात कर रहा हूँ ना तेरे से,
बात में मम्मी को क्या बीच में ला देती है, बची है क्या? तो तू मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं तेरे को मना कर रही हूँ और तू बोल रहा है ऐसे पैसे मजाक चीज नहीं होती हिरन। तू ऐसा कोई इन्वेस्ट नहीं कर, उसको मना कर दे कि सॉरी यार अभी सिचुएशन ऐसी है मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी पैसे नहीं होते सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हिरन तू खुद इतना होशियार होकर डम जैसी बातें क्यों कर रहा है? ऐसी अगर बातों पर जिद मैं करूँ तो मेरे पे ठीक भी लगे, तेरे पे कैसे ठीक लग सकता है? क्यों ना लगे? तेरे पे ठीक ना लगे क्यों? उल्लू को बना सकता है, मेरे को इतना तो पता चलता है कि क्या सही क्या गलत है। कोई लाइफ में तुझे भरोसा कैसे कि नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि असलियत में सब कुछ नहीं होता, घर बैठे तू इन्वेस्ट करे पांच गुना हो जाए तो कोई इंसान काम धंधा करना छोड़ दे, अपने जितने भी सेविंग से या घर पे जो भी चीजें बेच बेच कर उसके पांच गुना करके वो उससे भी महंगी चीज खरीदे। कौन? कोई भी इंसान हो ऐसा बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है यार। कैसे कर रहा है वो पांच गुना बता मेरे को, वो मैं क्यों पूछूंगा उसको, वो उसका प्रॉब्लम है। अगर काफी लोग पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी बिल्डर्स को अपने पैसे देते हैं तो वो हर महीने कुछ परसेंट देते हैं इंटरेस्ट या नहीं देते हैं? देते हैं नहीं देते, देते हैं नहीं देते? बिल्डर के सामने काम करते हो तेरे पप्पा के वक्त का है। अरे वो अलग बात है, मैं ये बोल रहा हूँ मम्मी जो काम कर रही है वो पप्पा के वक्त का कर रहा है। बात ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हर जगह का अलग अलग इन्वेस्टमेंट, जैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है वैसे जब ब्लैक मनी की बात आती है सही नहीं लग रहा। मैं चाहे उतना मेरा ट्राई करूंगी बेस्ट की ये चीज में तू इन्वेस्ट ना करे, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। तेरा या मेरे के बीच में रखे सेफ साइड, तू ये नहीं करेगा सेफ साइड, तू ये नहीं करेगा सेफ साइड, मैं नहीं बताऊंगी सुनना। सेफ साइड इतनी सारे 20 की जगह 10 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं 90 डेज के लिए नहीं, वो पैसे में मेरा भी हक बनता है, मेरे को मेरा हक। कैसे? तू मेरी औरत थोड़ी है, तेरे को जायदाद की हिस्सा चाहिए? तेरे हर काम में मैं सपोर्ट करती हूँ, मुझे 50% चाहिए। हाँ तो 10 रख ले, मैं 10 इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे, और मुझे 5 लाख पॉकेट मनी चाहिए। हाँ तो ठीक है 5 लाख इन्वेस्ट कर लेता हूँ, 7 इन्वेस्ट करूंगा। और मुझे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना है 5 लाख। हाँ तो तेरे में से कर लेना जो दूंगा। नहीं वो मेरे पॉकेट में, बकवास मत कर, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। चाहने यार तू तो बोलती रहेगी हर चीज में, जो चीज में डिसाइड कर तो हर चीज में मना करती रहती है। कुछ ऐसा मत कर मेरी बात। अरे पर ऑफिशियल कार्ड भी आ गया मेरे पास उसका, दिखा मेरे को। मैंने बताऊ तेरे को कार्ड खींची है तेरा अकाउंट की, जब तू इधर कर रहा था ना मुझे इधर से दिख नहीं रहा था, मैंने कैमरा ऑन करके फोटो खींच के जूम करके देखा है, और मेरे को पता है तेरे अकाउंट में कितने पैसे है। अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनके इनके ऑफिशियल दिखाऊं? कोई और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, वाट लगेगी तेरी मेहनत के पैसे है, फोकट में नहीं आए, घर पे खजाना नहीं था जो खोद के निकले हुए है। ये है देखूंगा। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? हिरन ये तुझे किस तरह से लग रहा है कि सही है? कोई भी एंगल से तेरे को लग रहा है सही? तेरे को अभी समझ में नहीं आया ना ये कौन है? वही तो मैं कह रही हूँ, विपाशा बासु को फोटोशॉप करके रखा हुआ, तू ऐसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। कौन सी कंपनी का नाम पढ़? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या चीट फंड? हाँ वही तो कह रही हूँ, खुद बोल रहा हम चीटर और तू उसपे पांच चीट है, चीट नहीं सॉरी चीट फंड है। तो किसी को फ्रॉड मत बोल, कम से कम तेरे को पता ना उसके बारे में तो। वो आदमी अगर सच भी इतना अच्छा है तो ब्रांड एंबेसडर तो देख कौन है? हिरन ये तो वो फिर हेरा फेरी वाले सीन के अंदर से उसको उठाया हुआ है और ये पूरा सब कुछ वैसा है। हाँ ठीक है, मैंने उठाया है। लक्ष्मी चीट फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, ये फोन नंबर दे उसका, फोन बंद है, बैटरी लो गई पता नहीं था मुझे। मैं तो सोच रही हूँ कि हो क्यों नहीं रहा है, मैं दबा के मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। बैटरी लो बंद है फोन, लक्ष्मी चीट फंड कर दो इन्वेस्ट। क्या कर रही कैमरा काम पर रखा हुआ? वही स्क्रीन कैमरा देख लिया मैंने, वो वायरों के गुच्छों में तूने रखा हुआ है कहीं छुपा कर। लक्ष्मी चिट फंड में गाइस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना लाउड रिएक्शन नहीं आया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट मजा आई। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कभी भी लाइफ में ऐसे कोई भी चीज पे इन्वेस्ट मत करना, तो भाषण मत दे कम से कम। सच बोल रही हूँ, कोई भी आकर कर सकता है पर मत करना। पता है, आउच रुक जा, अरे वीडियो खत्म करा दे।
गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट, अच्छा गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, बाकी YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज की ब्लॉग अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो ब्लॉग को, एंड मिलते हैं रात का लाइव स्ट्रीम पे, और इसको सब्सक्राइब कर लो, इसका भी है चैनल। थैंक यू मिश्रा, इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लेना भाई, एंड ब्लॉग देख लो जाके। अच्छा ब्लॉग, बाय। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैं सिर्फ याद करवाने आया हूँ कि डील ऑफ द डे की 3 कॉम्बो टी शर्ट लेना मत भूलना, एंड ऑल्सो ये टी शर्ट एंड जॉगर्स जो भी परचेस करना है, इसके अलावा भी बहुत सारा कलेक्शन है, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके परचेस करो ये प्रोडक्ट्स, एंड लॉट्स ऑफ लव।